अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक मोहम्मद रजा ते तुसा सुनते पे साडा YouTube चैनल एलम स्टूडियो एंड व्लॉग। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो अपने डॉग के साथ है, मेरी जो मैंने जर्मन शेफर्ड डॉग रखा हुआ है उसके साथ है। उसको छोटी सी मैंने थोड़ी ट्रेनिंग दी हुई है तो वो आपको दिखाते हैं। जिस दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। और चलते हैं फिर वीडियो बनाते हैं उसकी उसके साथ और उसका कोई थोड़ा सा जो करता उसने जो ट्रेनिंग उसको दी है वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारे पास जर्मन शेफर्ड, ये क्रॉस में भाईजान, ये जर्मन शेफर्ड और अल्सेशन का क्रॉस। भाईजान ये मेरे दोस्त हैं सैयद मोहम्मद आमिर शाह, उसने मुझे ये गिफ्ट किया था तो इसको मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग की हुई है तो वो आपको दिखाते हैं। तो ज़्यादा प्योर तो ये चीज़ नहीं है पर इतनी कम भी नहीं है। आपके सामने इसकी हाइट चेक करें आप, ये फीमेल है मेरे पास और इसका नाम है अलास्का, अलास्का इसका नाम है। तो अभी मैं इसको जंजीर से अलग करता हूँ और आपको इसको दिखाता हूँ जो थोड़ी सी जो ट्रेनिंग मैंने की हुई है वो ट्रेनिंग में आपको दिखाता हूँ। अलास्का दोस्तों मैं जंजीर से अलग कर रहा हूँ जो थोड़ी सी इसकी मैंने ट्रेनिंग की हुई है तो वो आपको दिखाते हैं। अभी उधर काला करोगे उधर जाएंगे कंकर फेंक करके वो भी खा के लेके आएंगे। अभी मैं थोड़ा सा कंकर लेता हूँ लेकिन जल्दी जल्दी ले जाओ। एक आ रहा भैया ढूंढ लिया, दादा किधर ले जाओ, दादा किधर ले जाओ, डाउन सिप सिप बस एक अंदर लेके आ गए। ये क्रॉस हो गई है तकरीबन 2 मंथ से 15-20 दिन के बाद मेरे ख्याल में ऐसे ये बच्चे से चेते देते हैं तो उस इसके बच्चों को भी ऐसे ट्रेन हमने करना है। दोस्तों मैंने आज आपको इसका थोड़ा सा शुगर मेरा इसके साथ किया और वो दिखाया है कितना ये ट्रेन हो चुका है। तो दोस्तों इसकी ये केज जो मैंने बनवाई थी तकरीबन 14,000 की यानी कि इसकी मैंने बनाई थी, ये सामान शुमान और ये बनाई और इसके नीचे। तो ये इधर मैंने दरख्त हमारे इधर फार्म में दरख्त हैं तो साय के नीचे हमेशा पड़ा रहता है और इसके यानी कि ठंडी ठंडी हवा होती है तो सुकून रहता है। इसको दिन में सारा दिन इसको हम बंद रखते हैं और रात के टाइम इसको छोड़ देते हैं। कोई जानवर हमारा यानी कि रस्सी तोड़ कर इधर उधर भाग गया जिस तरह ये फौरन यहाँ समझे हमारा ये सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। ये भौंकना स्टार्ट कर तो हमें पता चल जाता है फार्म में कोई बंदा आ गया है या कोई मसला है तो हम फौरन से वैसे भी आ जाते हैं। तो दोस्तों जिस दोस्त को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब हमें दें इजाज़त और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।